इस पर गाना भी गाते हैं। गली गली घुमली रे आशा बहिनिया जाचा बचा बचवाली, अरे पनिया में भिजलू रे आशा दीदी घामा वा में हो जरली, अरे राब बड़का बड़का विधायक लोगावा के बिल्डिंग हो बनवल, अरे आशा रे बहिनिया रे लागी कलम रे हेरव। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में देश भर से आशा कर्मचारियां हैं पहुंची हुई हैं। आशा वर्कर ये अलग अलग राज्यों से जरूर आई हैं, लेकिन इनकी जो कुछ कॉमन मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग है जिनको मानदेय हर राज्यों में 2000 से लेकर 10000 तक मिलता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमाएँ हैं, और ये लोग चाहते हैं इस मानदेय को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन किया जाए और कम से कम 26000 रुपये मानदेय इनको दिया जाए। इसके साथ साथ इनका जो काम स्थायी तौर पे इसको पक्का किया जाए, इनको एक वर्कर का दर्जा मिले, जो अभी इनको एक तरीके का वॉलेंट्री काम है, वॉलेंट्री काम ना समझकर इसको एक वर्कर का दर्जा मिले और वर्कर के तरह जो अधिकार हैं वो इनको दिए जाए। इन मांगों को लेकर लंबे समय से देश भर में आंदोलन जारी है, अलग अलग राज्यों में हमने देखा है बीते दिनों हड़ताल हुए हैं और कई राज्यों में हड़ताल के बाद इनकी जीत भी हुई है। अभी हालिया उदाहरण हरियाणा का है, जहां 73 दिन के संघर्ष के बाद सरकारों ने इनकी मांग मानी है। इससे पहले बिहार में, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अलग कई राज्यों में हड़ताल इनकी अभी भी जारी है। इन्हीं मांगों को लेकर केंद्र की सरकार से, ये केंद्र की स्कीम है, अपनी मांगें बताने के लिए यहाँ पहुँची हैं और ये बताने आई हैं इनकी मांगें अगर नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और तेज़ होगा। आज इन्होंने इस रैली का नाम दिया आशा संघर्ष रैली, और इस संघर्ष रैली के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को चुनौती दे रही हैं जो इनकी मांगें माने, नहीं तो आने वाले समय में और भीषण आंदोलन की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। सुनिए इन नेताओं ने क्या कहा और अलग अलग राज्यों से आई आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या समस्याएं और किन मांगों लेकर वो दिल्ली पहुंची हैं। आशा वर्कर्स की कार्य की स्थिति बहुत खराब हम कह सकते हैं। आशा वर्कर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम है, सरकार ऑनलाइन काम करने का भी दबाव बढ़ा रही है, ऑफलाइन काम भी करना पड़ता है, फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। यहाँ पे पूरे देश भर की आशाएं आई हैं, यहाँ पे 18 से ज़्यादा राज्यों से वर्कर यहाँ पे पहुँची हुई हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स कार्य कर रही हैं और वो वर्कर 2005 से लगातार सेवा दे रही हैं और उन्होंने शानदार काम करके दिखाया है। हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग का 5 काम पर बहाल हुआ था और हम लोग 45 काम हम लोग से लिया जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो सब काम हम लोग जच्चा बच्चा बचाएं, टीकाकरण कराएं, मृत्यु दर के काम किए, पोलियो भगाएं, तभी सरकार हम लोग को सुनने वाला नहीं है कि 17 साल में हम लोग सरकार के यदि 10000 रुपया देते हैं तो सरकार अपना मेहर बेटी के खटवा देंगे। हम लोग को आशा वर्कर को 24 घंटा ड्यूटी दिया जाता है, जिसमें 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, बरसा हो, गर्मी हो या ठंड नफी हो, सारा दिन हम लोग से काम लिया जाता है, लेकिन काम के अनुसार हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ बाघ जैसे बगैरे हैं, बगैरों की बहुत डर होती है, हमारे यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, बहुत दूर क्षेत्र में हमारा गाड़ियों के जैसी व्यवस्था है तो बहुत दूर है, हमें रात को जाना पड़ता है, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है। ठीक है, किसी लड़की के साथ कुछ अगर घटना हो गई है तो उनके पूछने वाला कोई नहीं है। हर साल हम हमारी मांगे लेकर हर साल लड़ते हैं, बैठते हैं, रास्ते पर उतरते, लेकिन ये मोदी सरकार इतनी मुर्दार हो चुकी है कि हमारा कहना माने और हमारे को मीटिंग के लिए बुलाए, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल ऐसा ही चालू रहेगा महाराष्ट्र में। हम जो काम करते हैं गाँव में, मैंने मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु से हम रहते थे, अब जन्म से मृत्यु पर्यंत सब कुछ काम करते हैं, इसीलिए हमको टाइम टेबल कुछ नहीं है, हम 24 घंटा काम करते हैं, तेणुकर हमको 26000 हम भत्ता मांगते हैं, हमको मांग चाहिए, हमारे 26000 चाहिए। पंजाब के अंदर आशा वर्कर की बहुत समस्या है, हमें जो वेतन है ना, हमारा जो महीना वेतन है हमें 2500 रुपया मिलता है, 2500 में कब गुजारा करें। केंद्र सरकार अभी तो हमें कुछ नहीं दे रही, 0 पॉइंट है केंद्र सरकार का, ओनली बस हमें इंसेंटिव देते हैं काम का, बस और कुछ नहीं, बस 4000 बनता है, 4000 में हमारा गुजारा नहीं होता है। आज का प्रदर्शन तो हमारे जो बुनियादी मांगे हैं रेगुलर किया जाए, फंड पेंशन मिले और इंसेंटिव की जगह फिक्स
26,000 मानदेय की मांग है, पेंशन की मांग है, इसके लिए सब आए हैं। न्यूनतम वेतन की श्रेणी में वर्कर को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये काम नियमित है तो ये जो पोस्ट है ये पोस्ट भी नियमित होनी चाहिए, और ये पक्का काम है तो पक्की भर्ती ही इसके ऊपर जो है सही रहेगी, और पक्की भर्ती जब तक नहीं होती तब तक वर्कर को न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल किया जाए, उनको तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ देते हुए उनको जो है सरकार को एक स्किल्ड वर्क के रूप में शामिल करना चाहिए, और उनको जो है नियमित वर्कर के रूप में नियमितीकरण के लिए लेके जाना चाहिए। 2005 में जो हमारे स्वास्थ्य सूचकांक थे और आज 2023 में जो स्वास्थ्य सूचकांक हैं उनमें ज़बरदस्त सुधार हुआ है। बच्चों का टीकाकरण लगभग 100% हो गया है, जो मातृ मृत्यु दर है उसके अंदर गिरावट आई है, शिशु मृत्यु दर के अंदर गिरावट आई है, ऐसे ही और भी बाकी तमाम जो है हमारे स्वास्थ्य सूचकांक काफ़ी बेहतर हुए हैं। मानदेय अभी 5,000-5,500 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो 3-3 महीने का मिल नहीं रहा है मानदेय, वो भी फिक्स मिलना चाहिए, हर महीना मिलना चाहिए 5,500 रुपये जो मिल रहे हैं, और केंद्र सरकार जो है 2,000 रुपए दे रही है 2008 से, उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, 10,000 रुपए मानदेय बढ़ाना चाहिए उन्होंने, तो ये भी मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है। फील्ड में घूम के नहीं हम लोग पानी देखते हैं, नहीं गांव देखते हैं, और नहीं हम लोग कुछ भी करते हैं, बताइए उसी समय पर कोरोना काल में हम लोग सब डॉक्टर लुका गए, सब एनम लुका गए, जिसको 45,000 का महीना है, जिसको 70,000 का महीना है वो डॉक्टर लुका गए, हम लोग सैनिटाइजर नहीं मिला, मास्क नहीं मिला, तब हम घर घर घूमकर और प्रवासी कर लेकर अब घर घर सर्वे छोड़िए, घर 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 हम लोग घूम कर प्रवासी के देखे और घर घर टीकाकरण कराए, अपना जान जोखिम में कर हम लोग को बच्चा से अलग हो गए कि बाबू हम लोग के आसरा छोड़ दो, कैसा सरकार है हम लोग का दुख दर्द नहीं समझ पाते हैं। हम लोगों को 12 बजे रात को भी फोन आता है कि डिलीवरी को लेकर के जाना है हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करते हैं, जच्चा बच्चा को देखना काम रहता है वो भी हम लोग करते हैं, और प्रसव के बाद BCG का इंजेक्शन है, गांव में समय समय से टीकाकरण का काम है, वो सारा काम हम लोग से करवाया जाता है। हमारा कोई वो नहीं है कि कब हमको बुलाया जाए, कोई वो नहीं होता, निश्चय वो नहीं होता हमारा कि उस टाइम पे बुलाएं, हमारा कोई इसलिए हम भी हमारा जो वेतन भी वेतन क्या बोले मानदेय क्या बोले वैसे हम इनिशिएटिव पे काम करते हैं, है ना, लेकिन हमारे जो राज्य सरकार है उत्तराखंड की हमें 3,000 रुपए देती है। गांव में बहुत कुछ तकलीफ आता है, कुछ कुछ लोग कुछ सुनते नहीं बुझते नहीं, हमारे ऊपर जो अत्याचार करते हैं हम उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आते, ऑफिसर से सब कुछ मैंने स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट में हो के CSC PSC जे कौन सी बात हो हमको बहुत दिक्कत आते है, सबको समझाने में। काम के दौरान तो देखो जी 72 घंटे आशा वर्कर ड्यूटी करती हैं, और इस ड्यूटी में मिलता क्या है, ओनली 4,000 रुपया, और 4,000 में हमारे घर नहीं चलते, बच्चों का गुजारा मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है, तो यही समस्या आ रही है। हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें कम से कम मुजरत 21,000 में लिया जाए, और हमें वेतन है जो महीने का 21,000 दिया जाए, यही हम सरकार से केंद्र सरकार से मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश की आशाओं की देश में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। आज आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में वो भी लोग आए हैं जो विभिन्न अगर दूसरे संगठनों से काम करते हैं जो हमारे यूनियन के नहीं है, वो लोग भी आए हुए हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समय पर कोई उन्हें इंसेंटिव नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न है, 10-10 महीने से उनका इंसेंटिव नहीं पास होता है, तो ये उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्याएँ हैं। कुछ इंसेंटिव ऐसे हैं जो पिछले 12 साल से केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाई, लगातार काम बढ़ते जा रहे हैं, 40 तरह का परफॉर्मा केंद्र सरकार ने बना के राज्यों को भेजा है, वो 40 तरह के काम के साथ साथ हर एक राज्य में कम से कम जो है 35 से 40 तरह के काम आशा वर्कर्स को और करने पड़ते हैं, जो आशा वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा है। कोरोना काल के अंदर भी आशाओं ने जिस तरह से काम किया था उसको पूरे देश ने देखा, न केवल पूरे देश ने देखा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी कहना पड़ा हमारे देश की आशाओं के लिए कि ये ग्लोबल हेल्थ लीडर हैं, उनको सम्मानित किया गया, लेकिन इन्हीं वर्कर्स को जो इतना शानदार काम कर रही हैं, न केंद्र की सरकार और न ही राज्यों की सरकारें इनका जो श्रम है उसका मूल्य नहीं दे रही हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, भूखे प्यासे बैठते हैं, लेकिन ये सरकार बहरी है, गूंगी है और सरकार सुन नहीं रही है। 17 साल में उसको दुख दर्द समझना चाहिए,
हम लोग जब 2018 में हड़ताल किए 27 तारीख का ट्रेन जाम किए, तो सरकार हम लोग का क्या किया कि सरकारी घोषणा कर रहे हैं उसमें हम लोग का गद्दारी किया कि बिहार सरकार 1000 किए और केंद्र सरकार 2000 किए, वो पोषाहार राशि किए, बोले कि हम वेतन करते हैं सरकारी करते हैं, बाकी हम लोग का भूल भुलैया के खेल खेला कर हम लोग को वो पोषाहार दिया। अब बताइए कि हम लोग कैसे जिएंगे, बिजली नहीं फ्री है, राशन नहीं हम लोग का मिलता है, घर आवास नहीं मिलता है, वेतन भी नहीं मिलते हैं, कैसे हम लोग जिएंगे। बीच बीच में लगता है सर्वे है, एक साल में 3 बार हम लोगों से सर्वे करवाया जाता है, प्लस में है कि इलेक्शन का ड्यूटी भी आता है उसमें भी ड्यूटी में लगा दिया जाता है, और थी हम लोगों को अभी जनगणना हो रहा था, जनगणना में भी आशा को ड्यूटी में लगा दिया गया पर उसमें हम लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं मिला। उत्तराखंड में हमारे टोटल हमें जो राज्य सरकार 3000 देती है और वह जो केंद्र सरकार देती है हमें इंसेंटिव देती है तो 1500 रुपये, 1550 हमारा जो पैकेज है उसका है। उसके बाद जैसे हमारे कोई बेचैनी होती है तब हमें 2000 तक हमें वो मिलता है, हमें टोटल मिलते हैं 5000, लेकिन 5000 हमें कभी टाइम पे नहीं मिला है। अभी हरियाणा की आशा वर्कर्स ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष से जो है तमाम देश की आशाओं में जो है एक उत्साह की स्थिति है, वो एक सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे हरियाणा की आशाओं ने जो है संघर्ष करके और वहाँ पे जीत हासिल की है। अभी कई राज्यों में हड़ताल चल रही है, हड़ताल करना महिलाओं का कोई शौक नहीं है, असल में ये सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें महिलाओं का जो है बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। अलग अलग राज्यों के अंदर भी पिछले समय में हमने देखा कि किस तरह से आंदोलन चल रहे थे, हरियाणा के अंदर हमने देखा आंदोलन, अभी महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन चल रहा, उससे पहले बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर हम सब ने देखा कि आंदोलन है, अभी आसाम के अंदर भी आंदोलन चल रहा है, ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी आंदोलन चला, तो ऐसे लंबे आंदोलन राज्य सरकारों के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें कहती कि ये केंद्र की स्कीम है और केंद्र की स्कीम है इसीलिए यदि कर्मचारियों को पक्का किया जाना है तो वो भी केंद्र करेंगे और बाकी जो भी स्वास्थ्य जो भी लाभ हैं वो सारे लाभ जो है केंद्र की सरकार देगी, इसीलिए ये हमारी फेडरेशन के आह्वान पे आज यहाँ पे देश के कोने कोने से तमाम आशा वर्कर्स यहाँ पे पहुँची हैं मोदी सरकार के सामने अपनी बातचीत रखने के लिए। हम लोग का सरकारी घोषणा कीजिए, न्यूनतम हम लोग का 18000 के मांग कीजिए, ज़्यादा मन दीजिए, बाकी 18000 का सरकारी घोषणा कीजिए, पेंशन घोषणा कीजिए, इसको बारे में हम लोग का रिटायरमेंट कीजिए, ये हम लोग को चाहिए, नहीं तो 2024-25 में हम लोग इसको अंगूठा दिखाएंगे, हम लोग का साथ में जैसा अंगूठा दिखाते हैं वैसा हम अंगूठा दिखाएंगे। आशा को इस कमर तोड़ महंगाई में बहुत सारी काम दिया जाता है और हर तरह से आशा काम करती है, काम नहीं करने पर आशा को धमकी भी दिया जाता है, आप लोग को चैन मुक्त कर दिया जाएगा, आशा बेचारी क्या करेगी, डर मान करके प्रभारी का BCM का डर मान करके अपना काम में हाजिर रहती है और उसका पेट भर का खाना खाने का उसका वेतन नहीं मिलता है। हमें 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर पे हमारा एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ हम 40 किलोमीटर में हम 4 जांचें कराने जाते हैं, 4 जांचें हम करते हैं वहाँ, तो बहुत मुश्किल है हमारा मतलब वहाँ पे पहुँचना, हमारी डिलीवरियों का पहुंचा हमारी जैसे हम जांच करवाने बहुत मुश्किल चले जाते हैं उनको। कोरोना महामारी में आशा वर्कर्स ने जो भूमिका अदा की है वो पूरी दुनिया में सराहनीय है, उसके लिए उनको जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनाम भी दिया है जिसको देश के प्रधानमंत्री प्रशंसा कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनाम दे रहा है, तो उनको जो है गुजारे के लिए एक सम्मानजनक वेतन मिलना ही चाहिए, इस मांग को लेकर के आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वेतन है वो 26000 हो, तब तमाम तरह के जो सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं वो दिए जाएं। हम लोग कितना भी काम कर लेते हैं लेकिन 2000-3000 से ज़्यादा मंथली नहीं होता है, हम लोग को पल्स पोलियो करते हैं तो 75 रुपये मिलता है, टीकाकरण करते हैं सर्वे करते हैं तो 300 रुपये मिलता है, डिलीवरी करवाते हैं तो आयरन कैल्शियम हम लोग खिला दिए पूरे 9 महीना,
तो 600 रुपया मिला, नहीं तो आधा काम हुआ, डिलीवरी कहीं दूसरे जगह पर हो गया तो 300 रुपये मिलता है। हमने मांग पत्र देंगे हम स्वास्थ्य मंत्री को, तो वो पुलिस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम आपका मांग पत्र दिलवाएंगे, वो कैसे दिलवाएंगे वो बताएंगे। तो महाराष्ट्र से 75,000 आशा बहने है और सहयोगी बहना 4,000 है और 17 तारीख से महाराष्ट्र से हड़ताल चल रही है, 20 दिन हो गए। हम लोग 32 दिन का हड़ताल किए थे बिहार में, लेकिन उसमें हम लोग बहुत हैरान परेशान हुए, कुछ नहीं मिला। वो निराश होकर के सब आशा लोग फिर दिल्ली प्रदर्शन के लिए जोर जुनूम से तैयार हुई है। सरकार का जो इच्छा होगा सरकार करेगी। आशा तो तड़प रही है, काम कर भी रही है और भूखे मर रही है। जो कोविड में जान गई किसी को 50 लाख का कंपेंसेशन नहीं मिला, और जो इन्होंने 1,500 रुपये कोविड का इंसेंटिव दिया था कोविड पीरियड 2 साल का, वो भी इन्होंने सारी आशाओं को नहीं दिया। किसी को 1 महीने का दिया, किसी को 2 महीने का दिया, सरकार ने सारा बजट काट लिया, कोई सेफ्टी नहीं दी। तो यूपी की आशाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जी सरकार को चुनौती है कि पंजाब जिते भी खड़ जाए वो मोर्चा जित के ही जाता। आशा वर्कर ते आशा फैसिलिटेटर के हकों लई अज भी असी मोर्चा जीतांगे, तो आने वाले समय के संघर्ष में होर भी तिखा करके आ जिहड़ा मोर्चा है मोदी सरकार का, यह असी फतेह करके आशा वर्कर ते आशा फैसिलिटेटर दियां झोलियां दे विच पावांगे।